पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कॉट मतलब क्या, कॉस अपॉन साइन। तो नीचे साइन है, मतलब साइन जब जब जीरो देगा कॉट को इन्फिनिटी देना पड़ेगा। तो साइन जीरो कब कब देता है? जीरो पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, एन पाई। सीधे होके बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। पीछे से ना दिख रहा हो तो आगे आ जाओ, आप दोनों दीदी आगे आ जाओ। तो जीरो यानी कि वाई एक्सिस पर इन्फिनिटी जाएगा, फिर ये पाई बाई टू, फिर ये पाई, 3 पाई बाई टू, और ये 2 पाई, ये माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई। पिछली क्लास में एक और चीज बताई थी कि यहां पर एस का ग्राफ बनता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। पिछली क्लास में मैंने, अरे क्या लिख रहे हो, सीखने आए हो कि लिखने आए हो? ये कॉपी एग्जाम हॉल तक जाएगी क्या? एग्जाम हॉल तक ये कॉपी जाएगी क्या? नहीं ना, क्या जाएगा? दिमाग जाएगा, उसमें लिखो, कॉपी में नहीं। सुनना ध्यान से, एस बन रहा है। एस कैसे? ऐसे, ये देखो ध्यान से, एस फॉर सुहाग। यस, तो सुनना ध्यान से, वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स। कल यही सेम चीज कोलार में पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले साइन इनवर्स का ग्राफ बनवाया। तुरंत एक अच्छे बच्चे ने ऑब्जेक्शन उठा लिया, सर ये हम घर पे कर लेंगे, आप तो आगे बढ़ो। मैंने कहा भाई तू सेक इनवर्स का बना दे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उसने कॉट का ग्राफ बनाया, मतलब ये वाला, और कॉट में उसने इतनी बड़ी गलती करी। देखिए क्या गलती करी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, वो पढ़ने वाले अच्छी स्कूल का और अच्छी एक और जगह जाता है वहां का बच्चा, और इतनी बड़ी गलती करी, तीन चार एक के ऊपर एक गलतियां करी, न जाने क्यों। फिर उसने कहा कि सर आप तो सुकून से ही पढ़ाओ, आपके स्टाइल से मैं सुकून से पढ़ रहा हूं। तो चलिए, इसको रोटेट करना सीखा था अपन ने पिछली क्लास में, ये तो क्लास 11 में तुमको आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो 11 कमजोर है ना, ये मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा सो आपकी क्लास में। ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ, कागज निकालो आप लोगों के, देखना नए बच्चे ध्यान से देखो हो क्या रहा है भाई दुनिया में। ये ग्राफ यही है क्या? अरे पहले यहां तो देखो, अरे नए लोग तो देखो, ये यही है क्या? तो मैंने सिखाया इनवर्स का ग्राफ बनाना कुछ ऐसे, इस कागज को इस लकीर के अंतिम बिंदुओं से पकड़ा, आप लोग भी पकड़ेंगे। यस, अभी रुको, यहां देखेंगे, हाथ को नहीं घुमाएंगे और उंगलियों को कुछ ऐसा करेंगे कि कागज वर्टिकल हो जाए। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, दोनों हाथ टेबल पे, ये एक शर्त है बस मेरी, और साथ साथ में लिखो नहीं। ये जो ग्राफ है ये इनवर्स का ग्राफ है, ये रहा, यानी कि ये आपकी बार एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका नाम कर्व, नॉट फंक्शन। अरे यस, तो ये पाई बाई टू, ये पाई, पाई बाई टू पाई, माइनस पाई बाई टू और माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई, और ये ग्राफ ऐसा है।
तुम्हारे साउंड इफेक्ट होना चाहिए ना हर चीज में। ध्यान से देखिए, कॉट का ग्राफ डिक्रीजिंग, क्या मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था वो सारी चीजें सही है। S4 मैंने कहा था साइन, S4 क्या कहा था, और भले कुछ मुसीबतें आती है शरीफ लोगों की लाइफ में, मगर फाइनली वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं, तरक्की, इंक्रीजिंग। फिर मैंने कहा था कि स से सुहाग, सुहाग की कोचिंग का नाम टेको, उसमें भी तरक्की का तीर है। तो साइन, सेक और टेन, तीनों इंक्रीजिंग। क, क से सिखाया था कॉस, क से कमीन। अरे अरे, कई बच्चे क्लास में पूछते मे आई कम इन सर, हाँ क्या मैं कमीन हो सकता हूं? अब भाई तुम जानो, है ना। तो क नाम के जितने हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कुजेक इनवर्स एक्स, तीनों डिक्रीजिंग। मतलब ग्राफ जो डिक्रीजिंग है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सामने माइनस आएगा। मतलब सब चीज आपस में जुड़ी हुई है। इस चैप्टर का असली नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये फंक्शन से एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है कुछ इंटरनली। अब देखिएगा, अब अपन ने एक फंक्शन के बारे में एक जानकारी प्राप्त करी थी, याद कर ली थी, कि क्या याद कर ली थी, कि वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार नहीं काट सकता। यदि काट रहा है तो वो ग्राफ फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो फिलहाल कोई वर्टिकल लाइन, इसको देखो कितनी बार काट रही है। अरे यस, तो मैंने पिछली क्लास में रावण का किस्सा बताया था कि जब उसने बुरे काम किए उसके पहले उसकी मौत हो जाती तो आज वो हमारे लिए भगवान की दृष्टि में होता मातृभक्त, क्या मम्मी का भक्त, जो मम्मी का है वो यस। प्रहलाद कौन था, नहीं प्रहलाद नहीं, वो कावड़ में लेकर गया था मम्मी पापा को, वो कौन था, श्रवण, वो मातृ पितृ भक्त था। रावण कौन बन जाता यदि बुरे काम करने के पहले वो किसी वजह से मर जाता। तो यहां बुरे काम क्या हो रहा है, बोलो बोलो बोलो, बुरे काम क्या हो रहा है, एक से ज्यादा बार ग्राफ कट रहा है तो बाकी ग्राफ मिटा दो। तो हमने पहले दिन रिडिकुलस थिंकिंग से कहानी सीख ली थी, क्या कहानी सीख ली थी, क्या कहानी सीख ली थी, कि कॉट का रेंज क्या है, जीरो से पाई, यस यस नॉट इंक्लूडिंग। तो जीरो से पाई षड्यंत्र से हमको याद है, इसलिए जीरो टू पाई रखेंगे बाकी मिटा देंगे। और मैंने आपको क्या याद करवाया, क नाम से जितने ग्राफ शुरू होंगे वो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर वो नीचे आ रहे हो तो उनका नाम क्या, सर को ना भैया ये बैग कॉपी निकाल के इधर फेंक दो। अरे यस भाई साहब, आप लोगों को अपने रजिस्टर में ये तीनों ग्राफ बनाने थे, मगर ये वाला इधर ज्यादा चौड़ी जगह देकर ये वाला और कम जगह देकर ये वाला, एक के नीचे एक बनाना है, कॉपी रोटेट नहीं करना है। कितने लोग ये होमवर्क सही सही करके लाए हैं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हेलो। इसका पूछा मैंने, यहां तक तो मैंने कराक भेजा था दीदी, क्यों भैया
अच्छा, अच्छे से हाथ उठाओ, 1 मिनट हाथ खड़ा नहीं रहता। आप लोग कुजेक और सेक पे काम करो। अच्छा 1 मिनट, यहां पे बताओ डोमेन, बताओ भाई डोमेन, ऑल रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और इसकी रेंज 0 नॉट इंक्लूडिंग कोमा का मतलब से पाई के पहले तक, नॉट इंक्लूडिंग पाई। क्यों नॉट इंक्लूडिंग पाई? अरे सुनो भाई, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स की वैल्यू जा रही है, मगर इसको कहते हैं वाई बराबर 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या? 0। क्या उसको मेरे ग्राफ ने टच किया? नहीं। इसका नाम है वाई इज इक्वल टू पाई, क्या इसको टच किया? क्या टच नहीं किया, इसलिए नॉट इंक्लूडेड। इसको लिखिए, जो नए लोग हैं छापिए, क्या करें, कल स्पेशली आना, फर्स्ट लेक्चर लगभग 2 घंटे का, सेकंड लेक्चर 2 घंटे का, 4 घंटे का समय निकाल के आना, हेडफोन ईयरफोन लेकर आना, कंप्यूटर में लगने वाली पिन वाला, और आके पढ़ाई करना, और 11th के भी जो टॉपिक पढ़ना है पढ़ सकते हो। अच्छा कुछ बच्चों की स्कूल चालू हो गई क्या? स्कूल में जो टॉपिक चालू हुआ हो, मान लो इनवर्स नहीं हुआ, कुछ और हुआ, डिटरमिनेंट हुआ, आप उसकी वीडियो देख लो। स्कूल में अपन को मतलब दमदारी दिखाना है, टीचर लोग थोड़ा दूर से ही खड़े होकर बात करें अपन से कि ये सुहाग वाले हैं। हाँ जल्दी बच्चे, आप नोट ही करना पड़ेगा, ये हेडिंग डालो सबसे ऊपर वाली पूरी, बातें नहीं करेंगे। अरे आप लोगों के लिए मिठाई मंगवानी थी भाई, किस चीज की मालूम है? तो वुमेन मिठाई खिलाएंगी, और इस कमरे में कोई वुमेन है भी नहीं, है क्या? गर्ल्स है। शिवरात्रि 2005 के दिन टेको लॉन्च किया था कोहए फिजा भोपाल से, जहां फिलहाल माई बाइक हीरो होंडा और यामाहा का शोरूम है उसके ऊपर, वहां से हम स्टार्ट हुए 2005। मिठाई और क्या, अब लॉन्च अच्छी फिल्म होने दो ना, तुम्हें भी ले जाएंगे। हाँ तो अभी अभी कुछ तो हो जाए, हल्का फुल्का मीठा तो हो जाए, फिर अपन पार्टी भी कर लेंगे बड़ी। गुजराती स्मार्ट कंजूस होते हैं, बात ना करें। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, तीनों मिटा दूं क्या भाई? कुजेक और सेक बना लो। दीदी ये क्या कर रहे हो आप, गलत हो गया तो नया कागज कर लो, काट दो ना, वो कॉपी में भी आपने वाइटनर यूज किया, हद हो गई, फाड़ना नहीं है उसको, काट दो उसको। ऐसा कुजेक पर सभी बच्चे अपने स्टाइल से काम करें। अच्छा कोई नया बच्चा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो अच्छी समझदारी की बात है कि आप वीडियो लैब में अभी चले जाओ, हम हेडफोन देते हैं, फर्स्ट लेक्चर की वीडियो देख लो। कितने लोग जाने के इच्छुक हैं तो खुशी खुशी हाथ उठाओ। यस वेरी गुड, और कोई? गुड गुड गुड, ईयरफोन लो और अच्छे से क्लास देखो। ये सब पढ़ना 2016 फर्स्ट लेक्चर, जाओ बच्चे, जिसको बिल्कुल ऊपर से जा रहा है आपको क्लास में जाना समझदारी है। और पैकेज वगैरह मिल गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, फार्मूला पार्ट 1 पार्ट 2 अखबार वो मिला, बाहर से लो उनसे। और एक टेस्ट पेपर जिसमें पीछे इनाम की लिस्ट है वो भी लो उनसे। अपन बच्चा यही रुकोगे? गुड, और कोई? हाँ, ओ सॉरी, मैंने क्या शाम को चाय पीना बंद कर दी। गुड गुड, कुजेक और सेक पे काम करो। अपन दीदी को समझ में आ रहा है? अपन को वीडियो देख लेंगे कल आके। गुड, इसको वो नए बच्चों को वो तो सिखाओ कागज फाड़ के रोटेट करना। ओ भैया इनको तो बता दो,
ये कोर्ट का उनको कागज फाड़ के रोटेट करना सिखाओ। दुबे दुबे को मालूम है कागज रोटेट करना, रोटेट करना सिखाओ, उनके हाथ में दो, ऊंचा करो, ऊंचा ऊंचा ट्यूबलाइट की तरफ, सीधा रखो पहले, सीधा पहले हॉरिजॉन्टल, हाँ रोटेट करो, वेरी गुड, अभी भी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हो जाना चाहिए, हाथ हाथ ऊपर नीचे मत करो, उंगलियों से घुमा दो, वर्टिकल हो जाना चाहिए, देखो हॉरिजॉन्टल था और वर्टिकल हो जाए, ऊंचा करके करो और फिर खुद के कागज में करके देखो, दीदी फाड़ो, यस, ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सेक सही है दीदी, वही तो आपसे प्रैक्टिस करानी है। मैं हटूं? पहले कागज रोटेट तो करो तुम आखिरी वाले भैया, अपना कागज खुद बनाओ। मैंने पन्नी रोटेट करी थी ना, वैसे आप कागज रोटेट करना सीखो। मिटा दूं क्या? अपना अपना कागज बना के देखो, रोटेट करके देखो। बाकी पुराने लोग सेक पे काम करो, सेक का कागज बना के देखो। कुजेक पे पहले काम कर रहे हो कि सेक पर? कुजेक। आइए सुनो भाई, साइन जहां जहां जीरो था वहां वहां इन्फिनिटी, जहां कॉट इन्फिनिटी वहां कुजेक भी इन्फिनिटी। जीरो पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, वन, माइनस वन। साइन का ग्राफ जीरो से वन वैल्यू देगा, उसका रेसिप्रोकल वन से इन्फिनिटी, मगर जहां साइन ने वन दिया कोजेक भी वन देगा। इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू जीरो से माइनस वन साइन देता होगा, उसका रेसिप्रोकल कुजेक देगा माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी। ये अटेंडेंस का रजिस्टर चल रहा है, इसमें आप लोगों को अपना नाम, आपका खुद का मोबाइल नंबर, जिससे कि हम उसको हमारी एसएमएस लिस्ट में डाल दें कि कोई खास इवेंट हो, क्लास कैंसिल हो या एक्स्ट्रा लग रही हो तो हम मैसेज शूट करें और आपको मिले। क्योंकि पिछली बार क्या प्रॉब्लम थी, पेरेंट्स को मैसेज पहुंच जाता था, पेरेंट अपने काम में बिजी, वो बच्चे को बता नहीं रहे, बच्चा दूसरे दिन आके बोले हमें मालूम ही नहीं था क्लास थी, ऐसा नहीं। इसलिए आपका नंबर चाहिए और आपकी स्कूल का नाम, यस, और उसके पास में ऐसा लिख देना कि मतलब एक कॉलम और बना दो छोटा सा या स्टार जैसा बना दो, स्कूल यदि स्टार्ट हो चुके हैं क्लास 12 के तो बगल में लिख दो स्टार्ट, और नहीं हुए हैं तो नॉट लिख दो। सुनो ध्यान से देखना, वापस पीछे भेज दो एक मिनट के लिए, सुनो ये डॉटेड ग्राफ किसका बनाया मैंने, ये गलत है। क्यों गलत है? साइन का ग्राफ मोटा और कम हाइट का होना चाहिए, मैंने गलत बनाया है। यस, ये डॉटेड ग्राफ का असली ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ सपोर्ट के लिए बनाया है। तो जहां साइन जीरो, अब वहां पर क्या बनेगा? इन्फिनिटी, और उल्टे उल्टे कटोरे बन जाएंगे बस। अच्छा, यहां भी खास बात यह है कि पाई, पाई पर कोजेक इन्फिनिटी देगा। कौन सी इन्फिनिटी, प्लस वाली कि माइनस वाली? दोनों। क्या? क्योंकि पाई के जस्ट इधर सेकंड क्वाड्रेंट और पाई के इधर, सीधे होके बैठो, शर्ट का बटन लगाओ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कोजेक भी पॉजिटिव, तो प्लस इन्फिनिटी। पाई से जरा सा कम, पाई से जरा सा ज्यादा। थर्ड क्वाड्रेंट, साइन भी नेगेटिव, कुजेक भी नेगेटिव। आप देखिए, पाई से जरा सा कम प्लस इन्फिनिटी, पाई से जरा सा ज्यादा माइनस इन्फिनिटी।
कित्तों ने क्लास 11 का ग्राफ सही बना दिया कुजेक का। देखो आप कितने कम है, यही तो गम है। अब ये बन गया, अब ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना लो अपने कागज के टुकड़े में और इसको रोटेट करके यहां पे बनाइए y इज इक्वल टू कुजेक इनवर्स x कर्व और फिर सेक बनाइए। और ये भी काम कर चुके हो तो मेरा पैकेज खोल के न्यूमेरिकल लगाओ। आप क्या कह रहे हो? अच्छा, आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया, सेकंड वीडियो में कि लाइव? गुड, पूछो भैया, तुम्हें हक है पूछने का, पूछो। क्या कहना चाहते हो, मतलब ये क्यों बना? सुनो, साइन जब 0 से 1 देता है आंसर तो उसने शायद 1/2 दिया, कितने पे? 30 डिग्री पर। तो 1/2 का उल्टा 1/1/2, 1/sin 30, कुजेक 30। तो कुजेक 30 क्या 1/sin 30? 1/1/2, 1/1/2 कितना? तो ये क्या हो गया, 1 से बड़ा। तो यहां पर आंसर आया 2। तो जब साइन 0 से 1 देता है तो उस समय कुजेक सारे आंसर क्या देता है? 1 से बड़े बड़े, 2 नहीं देता। क्या देता? अलग अलग वैल्यू देगा ना, 1/3 पे 3 देगा। तो सारे आंसर बड़े बड़े। और जब 0 दे रहा है पाई पे तो उसने इंफिनिटी दे दिया। मगर ये 11 क्लास की चीज है, आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी चैप्टर की वीडियो देखना। अपना खुद का कागज भी बनाना है भाई साहब। हाँ, और आपके रजिस्टर को घुमाए बगैर एक के नीचे एक तीनों बनाना है। बातें नहीं करेंगे, ये लो, चलो इधर देखो। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? उई, इसलिए याद आया किस्सा। कौन है अभी तुम्हारे साथ का दोस्त जो अब नहीं है? मोहक, मोहक, मोहक घर का नाम है, क्योंकि वो बच्ची जो आज 12th की मिलने आई थी वो उसके घर के पास रहती है। अब चलो बच्चा, ये क्या, ये क्या? देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना, आपको अपना अपने कागज पे जरूर बनाना है। मैंने सेकंड लेक्चर में सिखाया था, मैं बार बार नहीं सिखा सकता। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा या वीडियो में खुद सीखेंगे, ये देखो, इसको पकड़ा और कागज अभी हॉरिजॉन्टल है, अब वर्टिकल है। अरे यस, सुनो, यहां पर है साहब 1 और यहां क्या है, सपोर्ट लाइन बनानी पड़ेगी नहीं तो ग्राफ सुंदर नहीं दिखाई देगा। अरे एकदम बैलेंस होना चाहिए ना भाई, चेहरा अपना खुदा ने कितना सुंदर बनाया, एक तरफ का गाल ज्यादा लटक रहा हो, एक तरफ का कम, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ला ला ला, तो सुनिए, 1 मिला पाई बाय 2 पे, -1 मिला 3π/2 पे, ये टच नहीं होना चाहिए इधर पे। कितने लोगों ने खुदा कसम ये सही बनाया, बना नहीं थे वाले थे, है ना? कि ना आप नहीं बनाते तो हम बना ही देते। लिखो जल्दी फटाफट। अब इसमें क्या रखना है और क्या मिटाना है वो सोचना है। अरे कोशिश करो, आराम से मत बैठो। बन चुका है क्या? तो सेक बनाओ, सेक भी बन गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मेरा पैकेज होगा। बोलो बच्चा, अपन को क्यों मालूम है कि क्या मिटाना है क्या नहीं मिटाना? कहानी से याद है तो क्या मिटा दूं, क्या रख लूं जिंदगी में? हां, अपन इसके नीचे का मिटा देंगे और इसके ऊपर का मिटा देंगे। फर्स्ट लेक्चर में यह सिखाया था, वो अटेंडेंस चल रही है ना आगे, उसमें स्टार्ट और नॉट लिखना है। एफएक्स इज इक्वल टू कुजेक इनवर्स एक्स,
बोर्ड पे देखना बाबा, मेरी बात सुनो, इसकी डोमेन लिखते हैं, सुनो, डोमेन 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 मतलब इनपुट, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, या वन से बीच में ग्राफ नहीं है, और रेंज लिखते हैं, रेंज मतलब वाई या एफ एक्स या कुजेक इनवर्स एक्स, क्या माइनस पाई बाई टू से देखो जीरो को टच नहीं कर रहा, इसलिए माइनस पाई बाई टू से जीरो के पहले, फिर जीरो नहीं, जीरो के बाद से पाई बाई टू। इसको दूसरे स्टाइल में भी लिखा था, माइनस पाई बाई टू से सीधा पाई बाई टू लिख दो और अलग से बोल दो कि भाई जीरो हटा दीजिए, एक्सक्लूड। सीधे होके बैठो, ऐसे फिसल के टिक के नहीं, टाइट होके बैठो। सेक भी बना लिया दीदी, लख लख बधाइयां। न्यूमेरिकल लगाओ, वाई जी मतलब वो कितनी बार करे, वर्टिकल एक से ज्यादा बार ना करे, वर्टिकल एक से ज्यादा बार ना करे। वो कागज घुमाने वाला एक्सपीरियंस जरूर ले लेना। कागज आपने बनाया, हाँ कागज घुमाने का बनाया, वो पहले जरूरी है भाई। कागज फाड़ो, उसमें बनाओ, बात नहीं करो भाई। और वो बच्चा एक्चुअली कोचिंग नहीं गया था, ट्यूशन नहीं गया था, डीपीएस के टीचरों की, ये उसी ने बताया जो बच्ची अभी मिलने आई थी, जाता था और केमिस्ट्री और मैथ में फेल हुआ था, और टीचरों ने ये बोला कि अच्छा वो उसमें भी सिलेक्ट हुआ था, कुछ म्यूजिक में, इंडियन आइडल में भी गया था। तो प्रिंसिपल घर गया और मालूम क्या बोला, उस बच्चे ने हमको मौका ही नहीं दिया, हम तो उसे पास करने वाले थे थोड़ा सा चमका के। ऐसा क्या परेशान करना किसी बच्चे को है। और यदि वो स्कूल के टीचर के यहाँ ट्यूशन गया ही था, फिर तो फेल ही नहीं करना चाहिए। जिसमें गया था उसमें पास कर दिया था, वेरी बैड। ऐसे टीचरों को तो बीच सड़क पे मारना चाहिए। डीपीएस किसका स्कूल है मालूम आपको, दैनिक जागरण। भोपाल में उसकी पावर कम है, मगर दिल्ली में वही अखबार चलता है, तो वो बहुत पावरफुल अखबार है, तो उसमें कई अनशंट काम होते हैं मगर बाहर नहीं आते, आम जनता को पता नहीं चलते। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था 2004 में, क्या बोलूं मैं, एक अजीब सा वीडियो भी बाहर आया था उधर से, मगर वो चूंकि एक मीडिया का प्रेस का अखबार है, वो स्कूल है, तो सारी बातें दबा दी जाती है। फीस इतनी ज़्यादा है, 1 लाख रुपए शायद सालाना, उतनी तो मैं भी नहीं लेता जबकि मैं पढ़ाता हूँ ईमानदारी से। चलो लिखो जल्दी फटाफट, बातें ना करें। चलिए अब क्या बना रहे हैं अपन, सेक। मिटा दूं इसको, मिटा दूं बच्चे, मिटा दूं फाइनली। सेक पर काम कीजिए, सेक पर काम कीजिए, बात ना करें। अरे मैंने डार्क बना दिया, अपन कॉस थोड़ी बना रहे, अपन तो क्या बना रहे हैं, तो कॉस को ऐसा सपोर्ट बना रहे हैं, सही है भाई। अब ये जब जब जीरो होगा तब तब सेक इन्फिनिटी देगा, ये लो, ये सेक क्लास 11 की चीज कितों की सही गई। अब इसका रोटेट फॉर्म बनाओ फास्ट, मैं ही बना देता हूं समय बचे। देखिए, अच्छा ये सारे ग्राफ लगभग 2 साल पहले क्लासरूम में ही बनाए थे, बस मैंने इस पन्नियों को संभाल के रख लिया। ये क्या, सुनना, ये पकड़ा, चेहरे से हाथ हटाओ, सीधे होके बैठो, ये रोटेट, सही है सही है।
नखून मत खाओ, डॉटेड को डॉटेड ही बनाना, डार्क मत कर देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाई एक्सिस कौन सी है। सही है, ये वर्टिकल लाइन एक्स से ज्यादा बार काट रही है, तो जीरो, ये पाई बाई टू और ये पाई, बस जिंदगी में इतना ही रखना है हमें। तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स एफ एक्स। बोलो, जीरो से पाई बाई टू फिर पाई, एक मिनट रुको, इधर देखो जरा, बड़ी काम की बात देखो, कुजेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या बना था, कुजेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या बना था, सुना, इसका क्या बना था, ये पाई बाई टू, सुनना ध्यान से, ये माइनस पाई बाई टू, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, वन से, बड़े गौर से देखो, मैंने कहा सेक इंक्रीजिंग और मैंने कहा कुजेक डिक्रीजिंग, क मतलब बुरा और बुरा है तो मतलब पतन तो होना ही है उसका। अरे यसार लो, अब ये नहीं कि तुम ये बोलने लगो क नाम के सारे लोग बर्बाद होंगे, हाँ? क नाम से कोचिंग भी भोपाल में, उसका पतन तो हो ही गया, इंदौर में बिकने को तैयार है, मगर वो खरीदने वाली कह रही है अब तेरे में औकात नहीं बची, हम क्यों खरीदे। देखना इधर बच्चे ध्यान से, सुनो बड़े गौर से, ये यहां गिरा 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 गिरा, माइनस पाई बाई टू हो गया, चेहरे से हाथ हटाओ, फिर ये प्लस पाई बाई टू हो गया और फिर गिरा 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 गिरा, तो इसमें क्या कहानी रखें कि ये जिंदगी भर गिरा ही गिरा, ये तो उठ गया रास्ते में, फिर अरे कोई तो रोक लो, मत तो लिखो भैया, बोर्ड पे देखो यार, दो बार टोका मैंने आपको कि लिखो मत, समझो, बताओ, सुनिए, हा, एक बंदा बेहद नालायक, जिंदगी भर बर्बाद 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 हुआ, पापा के पैसे भी बर्बाद कर दिए, मगर एक चीज अच्छी रखी उसने, क्या, फिजिक, बॉडी पर्सनालिटी, अरे यस, सुबह शाम राइट टाइम जिम पहुंच जाता था और झमके कसरत करता था, उसमें भी बहुत ताकत लगती है, अरे हाँ कि ना, मैं 60 किलो की बेंच उठाता हूँ और जिम के और टीचर ने बोला अरे सर आज तो 80 हो जाए, मैं खड़ा हूं पीछे चलो, और ये हाथ ऐसे मुड़ गया, 15 दिन हो गए जा ही नहीं पाया, मतलब मेहनत तो लगती है उधर भी, ऐसा तो है नहीं है कि कुछ भी जाके उठा लो और बन जाए, तो वो बर्बाद 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 हुआ, और फिर अचानक क्या हुआ कि वापिस अमीर हो गया, किसी अमीर घर की लड़की की उस पर नजर पड़ गई, क्या वो रातों रात क्या हो गया, अमीर हो गया, अरे हां, अरे यस, अधिकतर बॉडी बिल्डर कहां दिखते हैं, किसी भी डिस्को डांस पार्टी में, D10 में, DB मॉल में, बाउंसर एज अ, अमीर घर की लड़कियां भी वहीं होती है, हो गया वो अमीर हो गया, मगर उसके बाद भी उसके हरकतें कम नहीं हुई, वापस बर्बाद बर्बाद बर्बाद, डेट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये थोड़ी देर के लिए भी इंक्रीज हुआ है। अब इसके साथ देखिए क्या हुआ, पैदा हुआ तब से मेहनती है, तरक्की 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 तरक्की, भाई साहब शहर में भूकंप आ गया, वो शंकर जी की कौन सी जगह, केदारनाथ, वहां पे होटल्स थे इसके पहाड़ पे, अब तूफान आया बारिश आई, पूरा का पूरा होटल ही बह गया, भाई साहब वो बर्बाद हो गया ना वापस जीरो पे, ये तो प्राकृतिक घटना है, उसकी क्या गलती इसमें, वो खुद तो कौन है, मेहनती, वापस तरक्की 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 तरक्की, ये इंक्रीजिंग है ऑलवेज, वो ऑलवेज, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाहर माइनस दिखाई देगा,
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस। लिखिए जल्दी फटाफट, अब मिटा दूं भाई। अरे हाँ जी, कंप्लीट। कोरा पेज खोलो, मतलब आपको इधर उधर का कुछ दिखे नहीं। इधर एफ एक्स, इधर एक्स मतलब डोमेन, हिंदी में कहेंगे प्रांत, और इधर खुद रेंज, रेंज बोले तो वाई परास। हिंदी मीडियम का कोई बैठा? हाँ, वो लोग नहीं बैठ सकते क्योंकि एमपी बोर्ड की तो परीक्षाएं चल रही है, अभी इलेवेंथ की परीक्षाएं खत्म नहीं हुई उनकी। लिखिए जल्दी फटाफट, पूरे छ के छ। कौन छ के छ? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज लिख के दिखाना है, पन्ना नहीं पलटेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज लिख के दिखाएंगे, टेन इनवर्स एक्स, उसके पास में कॉट इनवर्स एक्स, फिर कुजेक इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स। वो रजिस्टर पे अटेंडेंस हो गई। कोई बचा क्या भाई अभी नाम लिखने में? हाँ लगाओ तुम। चलो इन छह की डोमेन और रेंज लिख के दिखाओ बिना कहीं देखे। स्टार्ट और नॉट लिखना है, स्कूल स्टार्ट हुए नहीं हुए ऐसा। मिटाऊं दादा इसको? मिटाऊं क्या? तुम देख देख के लिख रहे हो यार, सामने पैकेज पड़ा हुआ है, बताओ उसको उल्टा कर दो भैया। इधर इसमें अटेंडेंस में नाम हो गया, लाओ इधर। सुनिए कुछ खास बातें, माइनस वन से वन सेम, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स हटाओ, माइनस वन से वन सेम। इसका मतलब तुमको छह थोड़ी याद रखना है, तुमको तीन याद रखना। अब इनकी रेंज भी कुछ कुछ सेटिंग जुगाड़ है, सुनो। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, अब मेरी बात सुनो, इसका रेसिप्रोकल कौन है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हटाओ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब इन दोनों को जोड़ के अपॉन टू। जीरो से पाई, जीरो से पाई हटाओ मिड पॉइंट, जीरो और पाई को जोड़ो अपॉन टू, सेटिंग है। इन दोनों की भी सेटिंग है, टेन की सेटिंग साइन से हो रही है, नॉट इंक्लूडिंग माइनस पाई बाई टू से नॉट इंक्लूडिंग पाई बाई टू, इसकी इससे नॉट इंक्लूडिंग जीरो से नॉट इंक्लूडिंग पाई। मैंने उल्टे ब्रैकेट लगाए हैं, आप गोल भी लगा सकते हैं, मगर इसको कोई यूज नहीं करता, इसलिए मैंने यूज किया कि आईआईटी इसको यूज करेगी तो तुम कहोगे यार मिसप्रिंट हो गई। कितने लोगों का कसम खुदा की एकदम सही, कोई गलत नहीं। लो बहन बेटियों में दो लोगों का सही गया। क्या नाम दीदी आपका? अंशिता। स्कूल? आईपीएस। सब्जेक्ट क्या है आपका? कॉमर्स के साथ मैथ्स वाली बच्ची का सही चला गया और बाकी लोगों का, अपना भी सही गया। क्या नाम? साक्षी और सुदीक्षा। बाकी भाई भैया हाथ तो उठाओ, तुम्हारा भी सही चला गया, वेरी गुड। लिखो जल्दी फटाफट, अब लिखो फॉर्म्यूले। स्पेलिंग सही है क्या? हाँ जरा सोचो, सुनो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सुनो, रटो नहीं, देखो इधर। एक्स की जगह वन रखते हैं, एक्स की जगह क्या रखते हैं? तो साइन इनवर्स वन, बोलो। अरे साइन हमें वन कब देता? 90 डिग्री पर। साइन इनवर्स वन का मतलब वो एंगल बताओ जब साइन हमें वन देगा 90 डिग्री। कॉस इनवर्स वन, वो एंगल बताओ जब कॉस हमें वन देगा जीरो। 90 प्लस जीरो, जीरो। सीधे होके बैठो, चेहरे से हाथ हटाओ। हाँ बोलो। 90।
वन बाई टू पे चेक लगाते हैं। भैया भैया नहीं, इधर देखो, साइन इनवर्स वन बाई टू 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। कॉस इनवर्स वन बाई टू 60 डिग्री, 60 और 30 फिर 90 हो गया। रूट थ्री बाई टू 60, रूट थ्री बाई टू 30 और 60। अरे ऐसा कैसे, जीरो साइन इनवर्स जीरो 0 डिग्री, कॉस इनवर्स जीरो 90 और 0, यानी फार्मूला हो गया। ये आया कैसे, कक्षा 10वीं से आया तुम्हारी कसम, देखते हैं कैसे आया। साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, बहुत बढ़िया, कौन कितने आए थे 10 में से जीपीए। मैं तो वहां कोलार में दिन भर बेइज्जती करता हूं, वहां आधे से ज्यादा बच्चे 10 सीजीपीए और स्कूल भी भारी भरकम। सामने गर्ल्स बैठी है, उनके स्कूल सेंट जोसेफ ईदगाह हिल, सेंट जोसेफ कोएड, कार्मल, डीपीएस, आईपीएस, अच्छे अच्छे स्कूलों की लाइन लगी है, वो क्लास में क्वेश्चन नहीं बनते, वो सबके 10 सीजीपीए। वो कल जो कैंपियन वाला था उसके भी 10 सीजीपीए, जिसने कॉट उल्टा बना दिया। अब मैं इन लोगों को कमेंट और टोंट नहीं मारूंगा तो क्या करूंगा, साल भर जैसे ही क्वेश्चन नहीं बनता मैं पूछता हूं कितने सीजीपीए, मतलब फर्जी है वो 10 सीजीपीए, हां कि ना, बोलो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सुनना बड़े गौर से। हमने कहा लेट, हमने क्या कहा, माना भैया ने फिर से लिख लिया, इंग्लिश मीडियम के हो, डोंट राइट। अरे बच्चे कितनी बार मना करूं, मत लिखो, लो ये बांट के ही जाओ। इलेवेंथ में ये बुक मैंने सभी को बांट दी थी, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, एस एल लोनी, सिडनी लंस्टन लोनी, 1887 में लिखी गई किताब है और आज भी इतनी दमदार है कि इसको कंप्लीट कर लो तो आईआईटी का पेपर पूरा बनेगा। इसमें इलेवेंथ के तीनों ट्रिग्नोमेट्री है और इनवर्स भी है, इसमें कवर चेंज होते रहते हैं यार, कपड़े तुम चेंज करके नहीं आते का, मैं दोबारा फीस ले लूं क्या तुमसे, कवर चेंज होता रहता है। यस ठीक, अब सुनना, तो जिनको इलेवेंथ में दे चुका हूं वो दोबारा ना लीजिएगा, ट्वेल्थ में वही वही बच्चे लेना जिन्होंने ट्वेल्थ की फीस पे कर दी है, ठीक। तो हाथ उठा दो, दीदी आपको आके दे दे। बोर्ड पे भी ध्यान रखना और इधर ही ध्यान रखना, बुक मिल जाएगी दीदी, इधर ध्यान रखो। माना कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या माना, एक्स, क्या माना बोर्ड पे देखना भाई, थीटा को यहीं रखो, कॉस सामने चला गया, सही है, बड़े गौर से सुनो भाई, 90 यहीं पर है, थीटा यहीं पर है, ये साइन, रुको, साइन को यहीं रखो, 90 यहीं पर है, थीटा यहीं पर है और कॉस थीटा की जगह क्या आ गया, अब ये साइन उठ के उधर गया, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, अरे यस, इस थीटा की जगह क्या आ गया, तो फाइनली क्या बन गया, ये माइनस का कॉस उधर चला गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस। अब सुनो मैंने क्या यूज किया,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो सामने वाले को एक्स माना। आप चाहो तो कॉस 90 माइनस थीटा को क्या मान लो, साइन थीटा, साइन को तुम एक्स ले लेना। अपने शुभ हाथों से डिराइव करिए, ये बुक बांट दो भाई, ये टेबल बना ली, मिटा दूं मैं धीरे धीरे करके लगभग 7 बुक्स गिफ्ट करूंगा और वो सभी विदेशी राइटर्स की रहेंगी। आज ही माल उतरा है, 750 किताबें उतरी है, एसएल लोनी ट्रिग्नो, एसएल लोनी 2D, मतलब कॉनिक सेक्शन वगैरह, हॉल एंड नाइट, एचएस हॉल, एसआर नाइट, जीएन बर्मन, आईआईटी 38 ईयर, गोवरो एंड पिनास्को, ये रशियन राइटर है, और भी दो हैं, वो सभी आपको धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक चलेगा वैसे वैसे मिलती जाएगी। अभी और कोई है क्या? अधिकतर को 11th में मिल गई है ना, ठीक है। सुनिए ध्यान से, बोर्ड पे देखिएगा। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स भाई साहब 90 हो गया, तो क्या और भी ऐसे फार्मूले होंगे? जैसे 10वीं में ये था तो ऐसा ही मिलता जुलता कौन था? देखो समझाऊं, साइन का रेसिप्रोकल कुजेक, तो सामने कॉस का रेसिप्रोकल, तो सिंपल सी बात है, कुजेक इनवर्स एक्स प्लस इजिकल टू क्या? और इसी तरीके से ये दोनों की दोस्ती हो गई, ये दोनों की दोस्ती हो गई, कौन रह गया? चेहरे से हाथ हटाओ। 10 90 माइनस थीटा इज व्हाट? तो सिंपल सी बात है, 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू कितना? तो एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं क्या? अरे इधर से उठ के उधर चला गया, बोर्ड पे देखते रहना बाबा, कुज इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं क्या बाबा? कुजेक इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकता हूं क्या? अरे हा ना, ये उठ के उधर चला गया और सेक यही है, तो सामने कौन गया? सही है। और ये बोलो, टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाय 2 माइनस, और सिंपल सी बात क्या? डन। ये शुरुआत हुई है काई की, फार्मूले की दुकान की। क्या अभी दुकान खुलना शुरू हुई है? बहुत बड़ी झाड़ू की दुकान है, उसमें से अभी एक डब्बा ही बाहर रखा उसने, बहुत सारे डब्बे बाहर आएंगे धीरे धीरे। मगर इसको समझ के लिखिए, तो रटने जैसा कुछ लग रहा है क्या? लिखिए साहब, मिटाऊं दाई दो मिटाऊं, इसका फर्स्ट का डेरिवेशन बस दिमाग में होना, मिटा दूं मिटा दूं। सनम रे सनम रे, अरे सुनो, ध्यान से सुनो, साइन 30 डिग्री इजिकल टू कितना? तो 30 डिग्री इजिकल टू क्या? हाँ क्या? वेरी गुड, साइन इनवर्स, अच्छा कुजेक 30 बोलो, रूट 3/2, वेरी गुड। 10th का पढ़ते थे तुम इस कोचिंग, भगवान भला करे। बोलो अब सोच समझ के बोलो, साइन ने 30 पे 1/2 दिया तो कुजेक 30 पे क्या देगा? कुजेक 30, अब भी समझाया था उस आखिरी वाले बच्चे को, कुजेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30। उसने ऑब्जेक्शन उठाया था ना, ग्राफ ऐसे ऐसे क्यों बन रहे हैं कटोरा, तो मैंने समझाया था कुजेक 30 इज इक्वल टू 1/
साइन 30, तो 1 अपॉन 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 पलट के गया तो कुजेक 30 कितना, 2। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपकी बार बोलो ना, बोलो, गलत होगा ना बेइज्जती होगी, ओके अगले दिन सही होगा। तो यही लोग बोलेंगे, अरे उसका सिलेक्शन हो गया यार, हिमांशु शुक्ला वगैरह है इस साल ड्रॉप, शुक्ला उनसे पूछ लेना, उन्होंने सारी वीडियोस मेरी देखी है। तो प्रथम का बैच कौन सा, 14-15 का। तो अपन ने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा, जैसे वो वहां का कोलार का अनिकेत, अब उसने कॉट उल्टा बना दिया, खूब बेइज्जती करी, यहां भी आके उसकी उड़ा रहे हैं अपन, रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। बाद में बच्चे डिस्कस करते हैं कि सुहाग साल भर जिसकी उड़ा रहा था उसी ने सुहाग का नाम रोशन कर दिया। मैथ्स में प्रथम के ही आए 120 में से 115। और आप वीडियो साल भर यदि देखोगे 13-14 के बैच की, तो खूब उड़ाई है, देख लेना आप, उसमें रिकॉर्डेड है सारी आवाज, आपने जवाब दिया वो भी तो रिकॉर्ड हुई धीमी धीमी। तो बेइज्जती होने दो, अपन को नहीं करना सुसाइड। हाँ हाँ, तो बताओ बच्चे, 30 यहीं रह गया तो ये उधर गया, तो बोलो 30 इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या समझ में आया, और मैं क्या समझाना चाहता हूं, मेरा एजेंडा क्या है आम आदमी पार्टी खोलने का, मुख्यमंत्री बन गया वो कौन, केजरीवाल, बताओ मेरा एजेंडा क्या था इतना बड़बड़ाने का। सनम ने तनम ने इना तनम वारे, आया एजेंडा मेरा समझ में, मैं क्या समझाना चाहता हूं, साइन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/2, 1/star समथिंग, और साइन इनवर्स 1/ समथिंग कोसेक इनवर्स। बातों बातों में आप मैथ सीख जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा अरे यार ये तो फार्मूला था ऐसा, अरे हाँ कि ना। इधर लिखेंगे कि स्टार मस्ट लाई बिटवीन व्हाट, नॉट इंक्लूडिंग जीरो, बताओ क्यों, हम 1/0 नहीं लिख सकते, इंफिनिटी हो जाता है। अच्छा यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, नहीं सेम नहीं, आहा अब की बार साइन इनवर्स की गोद में हैश थोड़ी है, 1/ हैश है। यही बारीकी सीखनी है, यही बारीकी सीखना। तो हैश बिलोंग्स टू, हैश कहां से कहां, तो इसकी गोद में मत देखो, तुम इसकी गोद में देख लो। हां यस, आर माइनस, हां सॉरी सॉरी, माइनस वन से जीरो खुद हट गया उसमें। ननम ने ननम ने, साइन और कोसेक में ऐसा रिश्ता है, तो ऐसा रिश्ता और किसके बीच में होना चाहिए, बोलो सीधे होके बैठो भाई साहब तुम। ये जो कुर्सी होती है ना, इसमें बैठने का हिस्सा कहां होता है बताओ, ये पूरा क्या, हां कि ना। अपन मान लो उधारी में कुर्सी लेकर आए, क्या 100 रुपए की थी और 30 रुपए देकर आए, भाई 70 रुपए बाद में देंगे, तो हम कितने हिस्से में बैठेंगे सिर्फ। तो कई लोग ऐसे बैठते, भाई पैसे मांगने आ गया तो ऐसे, ठीक है भैया मैं फ्री डेमो दिया है, आप पूरे बैठो आराम से, पूरे बैठ जाओ। हाँ बताओ, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे ना, साइन क्या था,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तुम बोले ना कोलार वाले, और कुजेक क्या, ये क्या है? ऐसे कौन थे अल्टा पलटी? कॉस तथा, हां पहले एक से बात कर ले, बोलो तो साइन नहीं, कॉस इनवर्स स्टार इज इक्वल टू, बोलो रे बाबरी, और स्टार वही 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 सेक इनवर्स, ये भी वही। डन मालिक, हाथ से चेहरा हटाओ, सीधे होके बैठो। और किसके बीच में? टेन और कोर्ट का बताओ भाई, टेन स्टार कॉट इनवर्स। फिलहाल स्टार कौन? नहीं 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 वो नहीं भाई, अरे यस, चांद। कंफ्यूजन नहीं हो, नहीं तो तुम बोलो स्टार मतलब वही। तो अब जिंदगी में कौन आ गया? चांद। वो गाना है ना, मैंने पूछा चांद से के, देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, तो चांद ने क्या कहा? आहा, इतनी ऊपर से साफ दिखाई नहीं देता भाई। चलो बताओ इसके आगे बोलो क्या, इसी में क्या लिख सकता हूं बताओ बताओ। कॉट इनवर्स कुछ नया, अब बताओ इधर सामने क्या लिखूंगा? टेन इनवर्स, नहीं मैं टेन इस तरफ लिख रहा हूं हर बार, है ना, टेन इनवर्स वन अपॉन, ये इससे मैच करेगा, ये दोनों ही मैच हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, ये भाई बहन का रिश्ता है, कौन सा? ये वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स क्या हुए? भाई बहन हुए। कुजेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स क्या हुए? भाई बहन हुए। ये क्या हुए? यस, और ये रिश्ता पति पत्नी, अरे यस, पति पत्नी का रिश्ता है, पति जो बात करेगा उससे पति कमा रिया, और ये क्या डिक्रीजिंग फंक्शन देखो आप, अरे यस भाई, अर्थव्यवस्था नहीं तो कैसे चलेगी, दोनों ही कंजूस हो गए तो भाई, फ्लॉट होना चाहिए ना पैसा, इधर से कमाया उधर से, हाँ ये दोनों भी क्या, अरे यस, पति पत्नी, ये दोनों क्या, तो ये दोनों क्या, ये दोनों क्या हुई, हाउ, ये समझाना चाह रहा था क्या, पाकिस्तान की कोर्ट से पति पत्नी का तलाक हुआ, वो जीने उतर रहे थे, अचानक पति ने मतलब पुरुष ने, अब तो पति रहा ही नहीं वो उसका, अरे सुनो तो वो महिला ने मुड़के कहा, हे अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो वो लड़का कहता है, भाई अपन भाई बहन तो है ही, कजिन्स क्या, वहां शादी हो जाती है ना कजिन्स की भी, तो ये कजिन भाई बहन है, कौन दोनों, जिनका निकाह भी हो चुका, ध्यान में आ गया आपको, कंसेप्ट क्लियर हो गया।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा सही नहीं, और ये जो लिखा है ये गलत लिखा है दोनों मामले में। अब थोड़ा सीरियस पॉइंट आ गया हंसी मजाक के बाद। कुछ नोट नहीं करेंगे आप सोचिए और बोलिए मैंने क्यों कट कर दिया और ये क्यों सही नहीं है। हमेशा सही नहीं है, कभी कभी सही है, थोड़ा बुद्धि लगाई है और बताइए। थोड़ी मजाक के बाद ही सीरियस पॉइंट लाता हूं जिससे कि समझ में आए। कुछ भारी गलत लिखा है बोर्ड पे और वो मेरा प्लान था कि आपको उस तरफ आकर्षित करना। अपना अपना करो भैया, मुझे को बताओ, किसी को दिमाग चला तो हाथ उठाओ क्या गलत है। बाकी दोनों सही हैं, जो साइन और कॉज है ना वो सही है, टेन वाला में गड़बड़ है, थोड़ा बुद्धि लगाओ क्या हुई है गड़बड़। मैं बता दूं, अब आप लोग बोल ही नहीं पा रहे हो। अरे सफ़ेद टी शर्ट वाले भैया बताओ, कुछ सोचा आपने? भैया ने कुछ सोचा? आप दोनों कल आगे बैठे थे ना, परसों या कल है ना, तो कुछ ढूंढा गलत? सिमिलरली करके नहीं लिख सकते, कुछ गड़बड़ है। सुनो बड़े गौर से, बड़ी काम की चीज़ है और आईआईटी इसी के आसपास धोखा देती है। जो सीरियस होके और बारीक निगाहों से पढ़ाई नहीं करेगा वो यहाँ गलती कर देगा। तुम किसी से खुद पूछ लेना कि ना यस, वो कहेगा यस 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 यस, फिर ये लिख देना, वो कह देगा यस, और गड़बड़ हो जाएगी। सुनो जरा मुझे बताओ, 10 इनवर्स रूट 3, बोलो बच्चा, 10 हमें रूट 3 कब देता है? 60 डिग्री। अरे हाँ भाई, कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट हमें 1/√3 कब देता है साहब? 60। मतलब ये सच लिखा है। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स माइनस तलवार, टेन नाम की जो बहन थी वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव, चेहरे से हाथ हटाओ, फर्स्ट और थर्ड, 0 डिग्री पर 0 हाइट की दीवार, तो 0 डिग्री के नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वो तलवार कहाँ से उठाएगी? फोर्थ। इसलिए 10 इनवर्स की रेंज क्या थी? -90 से +90। इसलिए इसका आंसर -60। क्या रेंज 0 से π किस किस की हुई थी? कॉस, सेक और कॉट, यानी कि कॉस, सेक और कॉट ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको नेगेटिव आंसर देगा ही नहीं। तो फिर कॉट इनवर्स -1/√3, -60 तो हो ही नहीं सकता। ये आ गया गेम, कंटिन्यूअस कॉमेडी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, कंटिन्यूअस सीरियस फिल्म फ्लॉप हो जाती है, मगर वो प्रीतम फिल्में बनाता है हेरा फेरी, वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। क्यों? थोड़ी देर टेंशन, थोड़ी देर कॉमेडी। अरे यस, तो थोड़ी देर आपको हंसा दिया, अब वापस कठिन चीज आ गई। जवाब दीजिए, कॉट इनवर्स माइनस, यानी कि कॉट नाम की बहन को पेन मत घुमाओ, तलवार चाहिए, तो वो तलवार कहां से उठा रही थी? सेकेंड क्वाड्रेंट, 120 डिग्री। क्या 100? यानी कि ये गलत है,
ये सिर्फ कब सही है? हां आर प्लस के लिए, आर प्लस मतलब पॉजिटिव। अच्छा आर प्लस लिख दिया मतलब जीरो काउंटेड नहीं है, तो भाई नेगेटिव के लिए, भैया नेगेटिव के लिए क्या करें, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब रुको, एक्स इज व्हाट? नहीं रे नहीं रे नहीं रे, वन अपॉन लिखना पड़ेगा ना। बड़े गौर से सुनना गेम क्या हुआ। ओ हेलो हाई, तुम इधर दिल लगा लो पढ़ाई में। एक्स की जगह नेगेटिव ही सोचना है, माइनस रूट थ्री सोचा, तो टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री माइनस साठ। टेन इनवर्स माइनस का वन अपॉन रूट थ्री 120। अब इधर 120 लिखा है और इधर माइनस साठ लिखा है, और मैंने चिन्ह काय का लगा दिया, गलत है? नहीं, मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूं। गरीब और दलित लोगों को आपके और हमारे लेवल में लेकर आना है, तो क्या किया जाए? रिजर्वेशन का पटला लगाया जाए, सपोर्ट। वो सच है, कुछ गलत नहीं है उसमें, बुरा नहीं लगाना। उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है पहले, इसलिए उनको वो सपोर्ट बनता है, ठीक, वो इशू नहीं है अभी। तो इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस साठ, और ये कितना है? माइनस साठ में क्या ऐड करूं कि 120 हो जाए? यस, ये रिश्ता है जब एक्स क्या है? नेगेटिव। तो तुम कुछ ऐसा सोच सकते हो कि भाई बहन है, शादी के कुछ अच्छे दिन, और फिर क्या हो गया? तलाक तलाक तलाक, आसानी से हो जाता है उधर। अरे हाँ कि ना, हो गया। नेगेटिव मतलब बुरे दिनों में। अरे यस, अच्छे दिनों में 6-10 हो गई है, जिनकी फिजिक्स है अभी नीचे वो पहले चले जाओ, इसको नोट कल कर लेना वीडियो में, या किसी की कॉपी से नोट कर लेना। जिनकी नहीं है फिजिक्स नीचे, या आप फिजिक्स का फर्स्ट डे है डेमो लेना चाहते हैं, जल्दी नीचे जाओ। और ये एक कागज़ में आपको जल्दी से बांट दूं, जल्दी पकड़ लो, आपको पता चले ये क्या है। एक एक पीछे बढ़ाते जाओ, अपना ले लो, अपनी पूरी लाइन का ले लो, आप चलो अपना एक लो, गड्डी आगे बढ़ाओ। ये इसको वही लोग नोट करें जिनकी अभी नीचे फिजिक्स नहीं है। एक्चुअली टॉपिक इंपॉर्टेंट था, मैं रोक नहीं पाया खुद को, गिरे नहीं। पीछे से स्टार्ट करो। हाँ ठीक है ठीक है, बस अब इधर इधर। बच्चे बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा है और नीचे क्लास चालू हो जाएगी, जल्दी नोट कर लो। या चलो ठीक है, नोट कर लो, रुक जाओ, नोट कर लो फिर जाओ, जल्दी नोट कर लो। सर को सॉरी बोलना मेरी तरफ से कि इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन था, रोक नहीं सकते थे बीच में से, जल्दी करो फास्ट, थोड़ा हड़बड़ी में नोट कर लो भाई, जल्दी थोड़ा कर लो यार, आज के लिए सॉरी। घड़ी देखी नहीं मैंने और पढ़ाता रहा, मगर हर चीज नोट करना, लेट हो जाएगा। मैंने सॉरी का फोन लगवा दिया बाहर से उनको, और बैग मत बंद करना, वो येलो कागज बाहर रखना, नोट जल्दी कर लो। अच्छा मैंने जो बुक दी उस बुक में इधर हार्ड पेज पे अपना नाम लिखो, अब हाँ हार्ड पेज, हार्ड पेज पे अंदर की तरफ, हार्ड पेज में जिस जिस को बुक मिली वो वहीं लिखना अपना नाम, और लास्ट हार्ड पेज पे भी, क्योंकि सबको बुक मिलेगी, कोई गलती से दूसरे की उठा के ले जाएगा। थोड़ा जल्दी नोट करो भाई, और जिन लोगों के घर पे है, लगभग अधिकतर बच्चों के घर पे है, वो आज से ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इस पे स्टार्ट कर दो। ये भाई बहन और ये हस्बैंड वाइफ, इसी पर है मैक्सिमम आपके स्कूल के क्वेश्चन। ये स्कूल एक प्रकार से कंप्लीट हो गया। परसों आप लोग अपनी अपनी आरडी आरएस
जो स्कूल बुक चलती है थोड़ी कठिन वाली, केसी सिन्हा, वो लेकर आएंगे। और येलो कागज एक मिनट हाथ में रखो, क्यों बांटा आपको? इधर सुनो, आप लोग डेमो में हैं, वन मंथ डेमो में है। लो पकड़ो इसको दीदी। तो सुनो, मैं आपसे फीस नहीं मांग रहा हूं, वो तो कल 10 साल पूरे हुए, मैंने मिठाई खिलाई सब लोगों को, तो उन्होंने कहा कि कुछ स्कीम होनी चाहिए। तो सुनो, 10 साल पूरे हुए थे, सुन लो एक मिनट, तो कक्षा 10वीं साल भर फ्री पढ़ाऊंगा इस साल विदाउट एनी चार्ज। हफ्ते में 3 दिन लगती है कोई सी भी क्लास, आप लोगों की भी लगती है, मगर आपकी 2 घंटे लगती है, 10वीं की 1.5 घंटा लगती है बड़ी से बड़ी कोचिंग में, तो 1.5 1.5 1.5 कितना हुआ, 4.5 घंटा। मैं संडे टू संडे 4 घंटे पढ़ाऊंगा, बैलेंस हो गया, और 2 बार रिवीजन हर SA1 SA2 दोनों में सेपरेटली कंप्लीट होगा। तो आपके रिलेटिव्स को आप भेज सकते हैं। उसके अलावा इसको इधर से पलटो, तो इधर ऊपर कुछ डिस्काउंट्स लिखे हैं। इस क्लासरूम के लगभग 30 बच्चों ने रजिस्टर्ड खुद को करा लिया था दीपावली के पहले। आप देखिए, उस समय 50% ऑफ था, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑफ लिखे हुए हैं। अरे यस, मगर इधर वापस अब इधर पलटो, इधर मैंने कुछ लिखा है, सुनो, 10 साल पूरे हुए, कक्षा 10वीं फ्री, अगले 10 दिन में यदि 10,000 पे करते हैं तो इस डिस्काउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और बाकी फीस इंस्टॉलमेंट में, हड़बड़ी नहीं चाहिए। और कोई बोले कि यार तुमने तो डेमो बोल के बुलाया था, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है तुम्हारी कसम पैसों की, तुम आराम से डेमो लो। मैंने तो बस आपको जानकारी दी कि आपके पैसे बचते हैं तो अच्छी बात है। कल इस पर पेरेंट्स के साइन करवा के मुझे वापस जमा कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, दिवाली ऑफर में देता हूँ, 2 महीने बाद पेरेंट्स चले आए हिलते डुलते, मालूम क्या कहते हैं, हमारे बच्चे ने हमको दीपावली ऑफर नहीं बताया था, अब हम क्या करें। तो मैंने क्या सोचा, आप इस पे पेरेंट के साइन करा दो, अपना नाम बगल में पेरेंट के साइन, और वापस जमा कर दो, हम आपको फीस के लिए नहीं ठोकेंगे, आप आराम से 1 महीना पढ़ो, पैसा की कोई मुझे जल्दी नहीं है, मगर पेरेंट से साइन करा देना। बच्चे नीचे जाओ, और सर बोले कि ऐसा क्यों हुआ, कहना अगली बार कभी लेट नहीं होंगे। अभी जो बच्चे नए बैठे हैं वो चाहे तो नीचे फिजिक्स डेमो अटेंड करके जाएं, 6 to 8 TTS, और केमिस्ट्री कल लगी थी ना MWF में, अब अगले दिन भी है, कल भी है, मतलब 4 से 8। थैंक यू।